जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि अगर आप आज़रबैजान में आकर एज ए टैक्सी ड्राइवर काम करना चाहते हैं या अपनी टैक्सी सर्विस इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तरीक़ाकार क्या है और आप कैसे काम कर सकते हैं, मंथली आप कितने पैसे कमा सकते हैं अगर गाड़ी आपकी अपनी है, और अगर आपकी गाड़ी अपनी नहीं है तो किसी भी कंपनी के साथ काम करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं यहाँ पर रहने के, खाने के और सर्वाइव करने के। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज ए टैक्सी ड्राइवर आप आज़रबैजान में काम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जोज़र खानम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ गज़ल, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट इन आज़रबैजान। ओके, थैंक यू। एंड बिरिंजी मैं सीजन सोच रहा जब कि आज़रबैजान दा अगर खारजी बिर आदम गैलर सा ओ हाल दा चोखलो आदम ना रिस्तीलर के आज़रबैजान दा टैक्सी सर्विस ना मशगूल हो सनला व या दा उज मशीन आल सनला या दा हांसी बिर शिरकत दा खिदमत जो सार सनला उनचुन ओ नेजे इजाजा आला बिलरलर व नेजे इश्तिया बिलरलर। Əvvəlcədən bunu deyim ki, burada oturum almamış, yəni icazə deyək, oturum almamış, yəni işləyə bilməz. Mütləqdir ki, oturum olmalıdır. Yəni, əgər turist viza, turist viza kimi, bəli deyək ki, turist viza kimi yəni varsa işləmək olmaz. Sonra mütləq bu şərtləri mən birinci sadalayım. Mütləq vergi olmalıdır, yəni dövlətə vergi ödəməlidir ki, ildə 1000 manat yəni ödənilir. Ən az. Bəli, bəli, mütləq Azərbaycan dilini bilməlidir. Və məsəl üçün, haradasa tutan işləmək istəyirsə, yəni buna dair yəni diplom deyək, sertifikat olmalıdır. Ya da əgər sürücü işləyirsə, o halda onda sürücü lisans yani olmalı, prava. Prava deyək. Pravası olmalıdır. Bir də ki, məsəl üçün, bir yerdə işləmək istəyirsə, mütləq həmin tutan bura ofis deyək və yaxud da şirkət deyək. Yəni, mütləq 5 nəfər yerli götürməlidir əvvəlcə işə, sonraki isə xarici vətəndaş götürə bilər. Və bunu deyim ki, məsəl üçün, bir yerdə taksi kimi işləmək istəyir. Yəni, Azərbaycanda ümumiyyətlə taksi şirkətləri var. Məsəl üçün, bizdə var Uber, Bolt, bu şirkətlər var ki, bizdə. Əgər burada sürücü kimi işləmək istəyirsə, ən birinci, yenə deyirəm, icazə olmalıdır, oturum icazəsi və pas, yəni, biz buna deyək, prava olmalıdır. Yəni, maşın sürməkdən ötürü. Binal xalq, yəni, international maşın. International prava, bəli, olmalıdır. Əgər, məsəl üçün, özünün maşını da varsa, həmin şəxsin, yəni belə deyək, bir ayda 800-1000 manata qədər yəni, gəlir götürə bilir. Yox, əgər yoxdursa, bu maşını şirkət verirsə, yəni yenə də 600-700 manat gəlir əldə edir ki. Bəli. Mən qoy bunu tərcümə edeyim. First of all, inhone kafi lambi detail aapko batayi, wo main usko summarize kar deta hun. सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप आज़रबैजान में आते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप आते हैं तो आपके पास काम करने की इजाज़त नहीं है। तो सबसे पहले आपने इजाज़त लेनी है। ये इजाज़त आप टेम्परेरी रेजिडेंस लेकर ले सकते हैं। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएँगे या फिर आप जो ऑलरेडी कंपनी है किसी भी कंपनी से वर्क परमिट लेंगे। अगर कोई कंपनी आपको वर्क परमिट देती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 5 लोकल वर्कर हायर करें और 1 फॉरनर वर्कर आपको एज ए फॉरनर रख सकती है। तो बहुत सी, क्योंकि यहाँ पर फॉरनर्स की इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है कि जो आपके लिए सिर्फ 5 वर्कर हायर करें और फिर उनको मंथली बेसिस पर सैलरी भी दें और उनका सोशल सिक्योरिटी, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेस भी। तो इसके लिए ज़्यादा रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, अपनी ही बिज़नेस रेजिडेंस ले लें। वो आसान रास्ता है, तकरीबन आप समझ लें कि $2000 से $2500 तक आपका पूरा खर्चा, ऑफिस का सेटअप है, मैनेजर की सैलरी है, वो सारा जो है आपका तकरीबन ये खर्चा होगा और आप आसानी से बिज़नेस रेजिडेंस ले सकते हैं। अगर सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो वो $500-600 में हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर आपके पास जब तक बिज़नेस एड्रेस नहीं होगा, ऑफिस नहीं होगा, प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, उसके ऊपर बिज़नेस रेजिडेंस नहीं मिलेगी। यानी आपके पास बिज़नेस रेजिडेंस होगी या काम करने की इजाज़त होगी तो उसके बाद फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज भी आती हो। इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकल लैंग्वेज भी आती हो, काम करने की इजाज़त हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो,
और आपको जबान आती हो, ये तीनों चीज़ें अगर आप पूरी करते हैं उसके बाद आप लोकल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। लोकल बहुत सी कंपनीज हैं लेकिन फेमस जो यहाँ पर हैं जो ज़्यादा काम दे रही हैं उनमें ऊबर है एक और दूसरी बोल्ट है। बोल्ट और ऊबर इनमें दो तरीके हैं काम करने के, या तो आपकी अपनी गाड़ी हो तो आप इनके साथ रजिस्टर्ड हो जाएं, 800 से 1000 मनात महीने का कमा लेते हैं। अगर आप इसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कहते हैं तो 80,000 से 1,00,000 रुपया और समटाइम इससे भी ज़्यादा मुमकिन है, 1200-1400 तक भी मुमकिन है, यानी 1,40,000-20,000। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको रियलिटी के करीब रखते हुए बात करूं कि एवरेज 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये या 1,000 मनात। लेकिन अगर आपकी अपनी गाड़ी नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस है, इजाज़त है, तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के साथ अटैच हो जाते हैं, गाड़ी वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप 500 से 600 मनात महीने का यानी 60-70,000 पाकिस्तानी आप महीने का आसानी से कमा लेते हैं। और इससे ज़्यादा आपकी मेहनत पर है, अगर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं या नाइट को काम करते हैं तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, लैंग्वेज का आना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे काम करने की इजाज़त आपके पास होना ज़रूरी है। ये सारा कुछ है तो आप ड्राइविंग यहाँ पे कर भी सकते हैं, एज ए टैक्सी ड्राइवर भी काम कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड हैं और आप अपना कोई बिज़नेस सेटअप बनाना चाहते हैं, यानी 3-4 गाड़ियाँ रखकर उनको एज ए टैक्सी चलाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। अलावा मैं सिस्टम भी ज़रा सवाल सोचूँ, अगर बुरदा खारजी बिरादम गाल से थैक बिर नफर गालन दा तखमीनन आयदा नगदर खर्च होलो təxminən ayında 250-300 manat bəli xərç olur ki, təbii ki də bura kira da daxildir, necə deyim, gündəlik xərç də daxildir, yəni qida, hamısı bura daxildir. Deyə bilərik ki, əgər 2 nəfər bir otaqda qalırsə, o halda 2 ya 3 nəfər 150 manat qalmaya deyə, 150 manat da yemək və belə bir şəkildə. Əgər ailənə bir adam qalırsə, yəni evli de, aile uşağı de, o halde təxminən nə qədər xərç olur? Yəni o halde aileye göre təbii ki de dəyişə bilər. Həmçinin indi təbii ki de balıq uşaqlar falan varsa xərç daha çox çıxa bilər ki, amma çox 500-600 manat. 500-600 bəli bu qədər. Əgər आप अकेले रहते हैं तो आप शेयरिंग में, दो लोग अगर एक कमरे में रहते हैं तो, या शेयर अपार्टमेंट में आप रहते हैं तो आपका एक बंदे का खर्चा खाने का और रहायश का 300 मनात तक हो जाता है, यानी तकरीबन आप 150 मनात रहायश का कर लें और 150 मनात ही आप फूड का कर लें। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपकी बीवी है और बच्चे हैं, तो फिर 500 से 600 मनात आप इसे कर लें, क्योंकि घर आपको सेपरेट लेना पड़ेगा, उसका 250 से 300 मनात कम से कम कराया, और 300 से 400 मनात कम से कम जो है एक फैमिली का खर्च है, तो 600 से 700 मनात में आपको ये पड़ेगा। ऐसी सूरत में आपके अर्निंग के सोर्सेज भी उस हिसाब से होने चाहिए। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि फैमिली के साथ आप पहले माइग्रेट ना करें, पहले आकर ज़बान सीखें, अपने कारोबार को सेट करें, अपनी रेजिडेंस लें, और उसके बाद जब आप थोड़े से सेटल हो जाते हैं तो बाद में फैमिली बुलाना कोई इशू नहीं है। वीज़ा विद इन 3 आवर्स भी निकल आता है और 3 दिन के अंदर भी मिल जाता है। फैमिली को जब चाहे विद इन अ वीक आप बुला सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप आएँ, कंपनी रजिस्टर करवाएँ और अपना यहाँ पर काम के हवाले से ज़बान सीखें, सेटअप बनाएँ, उसके बाद जो है अपनी फैमिली को बुलाएँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैं सीधे तशक्कुर दे रहा हूँ, मिन्नत दार हम बहुत अतराफली मालूम आता जो रहा मैं जा, अगर बिर आदम बुरदा गैल बिर शिरकत आज मैं इस तीर सा या ट्रांसपोर्ट इशना मशहूर और मैं इस तीर सा उन दहा यानी उस बिजनेस नू गेनिश लांदरा बिलर बुनु दा इमकान लार वार यानी Bəli, bəli, təbii ki də var. Öz şirkətini açmaq istəyirsə, təbii ki də əvvəlcə oturma olmalıdır. Necə deyim, bank hesabı da açılmalıdır. Açılmalıdır, bəli. Təbii oldu, ki də oldu. Təşəkkür edirəm. Mənə insə puça ki, əgər aapsə koi oldu, yəni problem yoxdur. Biz yəni davam edərik, siz bağlaya bilirsiniz.
मैंने इनसे पूछा कि अगर कोई बंदा कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो उस हवाले से वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देना चाहता है तो उसका कितना पोटेंशियल है। तो इन्होंने बताया क्योंकि टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रही है, इस हवाले से बहुत सी कंपनी जो पिछले 2-3 सालों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आई हैं एक अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उसका पोटेंशियल है और हमेशा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।